बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 आज से यानी कि 21 जून से दस्तक देने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी हमें इंतजार था कि बिग बॉस का इस बार का घर कैसा होगा, तो लीजिए हमारे पास इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ओटीटी के इस सीजन का घर कैसा होगा। तो यही है बिग बॉस का नया घर। इसको देखकर लग रहा है कि जैसे कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। इसका फर्स्ट लुक देखते ही आपको हैरी पॉटर जैसी किसी सीरीज की याद आएगी, जिससे जादुई नगरी और वहां होने वाले अजब गजब खेल से आपको निपटना पड़ता है। वेल, बिग बॉस के घर के बाहर दो पहरेदारों के पुतले लगाए गए हैं जो आपको किसी डार्क वर्ल्ड की याद दिलाएंगे। वैसे घर की थीम तो इंटरेस्टिंग है, तो क्या अंदर भी कुछ इसी तरह के खेल खेले जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस को होस्ट करने वाले हैं अनिल कपूर। हालांकि इसमें कंटेस्टेंट्स कौन कौन होंगे इसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नाम सामने आए हैं। मिका सिंह, सना सुल्तान खान, पोलमी दास, बड़ा पाव गर्ल जैसे नाम शामिल है। फिलहाल चलिए बिग बॉस घर के अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। ये है गॉसिप रूम। ये जगह गार्डन के बिल्कुल बगल में बनाई गई है, जहां पर 100 सोफे रखे गए हैं। ये जगह आपको इल्यूशनरी वर्ल्ड में ले जाएगी। द टू साइडेड वॉल्स शोकेस डिफरेंट फेसेस ऑन ईच साइड। ये जगह किसी मिस्टीरियस प्लेस से कम नहीं है। अब चलिए गार्डन एरिया की तरफ, जहां गार्डन एरिया में एक छोटा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। पूल के ऊपर एक यूनिकॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। साथ ही साइड में एक बार काउंटर बनाया गया है जहां सोफे रखे हुए हैं। अब बारी आती है घर के बाथरूम की। इसका बाथरूम इतना गॉर्जियस है कि इसे देखकर आपको डिज्नी वर्ल्ड की याद आएगी। ये इतना खूबसूरत है कि आप अपनी नजरें यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। आपको लेकर चलते हैं फाउंटेन एरिया की तरफ। वाओ, ये है कुछ नया। ये एरिया इस बार का नया एडिशन है। इससे पहले बिग बॉस के घर में इस तरह का कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार की थीम काफी अमेजिंग है। तो ये जगह बनाई गई है आपके रिलैक्स करने के लिए खास। यहाँ एंशिएंट टाइम्स की तरह एक यूनिक फाउंटेन बनाया गया है, जिसके पास एक एंशिएंट घड़ी जैसा स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। ये इतना ग्रैंड है कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। अब चलते हैं घर के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में, द लिविंग रूम। इस रूम की खास बात यह है कि इसके एंट्रेंस पर एक ड्रैगन बना हुआ है जो आपको हैरी पॉटर की दुनिया की याद दिलाएगा। यही वो जगह है जहां से शो के कंटेस्टेंट्स वीकेंड में शो के होस्ट से इंटरेक्ट कर सकेंगे। अब जरा एक खूबसूरत वॉल पर नजर डालते हैं। इस वॉल को देखकर आप पूरी तरह से फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। आई मीन जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, आपको प्यार हो जाएगा इस घर और इसकी थीम से। अब एक और पिक्चर देखिए, ये है गार्डन एरिया के एक हिस्से की। इसको देखकर लग रहा है आप सिंड्रेला और स्नो व्हाइट की दुनिया में घुस गए हैं। अब चलिए कन्फेशन रूम की तरफ। ये कुछ अलग सा लग रहा है। इस बार कन्फेशन रूम थोड़ा है और मिस्टीरियस भी। यहाँ पर बने फेसेस ये दर्शाते हैं कि हम इंसान के कितने रियल और फेक फेसेस होते हैं। ये रूम थोड़ा डरावना है पर अच्छा है। अब चलिए घर की द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस की तरफ चलते हैं। एनी गेसेस? अरे बाबा, किचन। यही तो सारे झगड़े की फसाद है। खाने से लेकर बर्तन धोने तक सारा झगड़ा इसी बात से ही शुरू होता है, और यहीं से शुरू होती है सारे जो घपले होते हैं इस घर के, यानी कि खाना किसने ज्यादा खाया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये देखिए, अगेन द मोस्ट ब्यूटीफुल येट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द हाउस, द ग्रेट किचन, जहां सब खुद को मास्टर शेफ से कम नहीं समझते, पर जब बर्तन धोने की बारी आती है तो लड़ पड़ते हैं। ये जगह देखकर आपको बाइनयार्ड की याद दिलाएगी, क्योंकि इसकी दीवारें, इसका डेकोर, इसके फर्नीचर, वाइन बैरल्स के स्ट्रक्चर जैसे बनाया गया है, क्रिएटिंग अ कोजी येट प्लेफुल वाइब्स। अब देखिए घर का मोस्ट ब्यूटीफुल रूम, आपका बेडरूम। ये ऐसा डिजाइन किया गया है मानो आप बारहवीं के वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। ब्यूटीफुल कर्टन्स, कटआउट्स, बैकड्रॉप, कोजी कुशंस और बेड्स को ऐसे प्लेस किया गया है ताकि कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से अपना यूनिक बॉन्ड बना सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आइए वर्कआउट एरिया में। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये काफी एलिगेंट है।
भाई क्या घर डिजाइन किया है, एंड लुक एट द वर्क उमंग कुमार हैज डन। उन्होंने एक बार फिर से ब्यूटीफुल हाउस डिजाइन किया है। तो जो लोग बिग बॉस के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि बिग बॉस की हिस्ट्री में इतना सुंदर घर बनकर आज तक तैयार नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और बिग बॉस देखिए, क्योंकि झगड़े के साथ कोई तो जोड़ी निकलेगी इस घर से एक बार फिर से। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।